कितने टाइप्स के वेरिएबल्स होते हैं? टाइप्स सर, कौन कौन से? अच्छा, नॉन स्टैटिक और लोकल। कौन से कितने टाइप के होते हैं? थ्री टाइप्स थ्री टाइप्स सर। फर्स्ट थ्री टाइप्स के। फर्स्ट फर्स्ट आर इंस्टेंट वेरिएबल इंस्टेंट नहीं, इंस्टेंस। सर। हाँ सर, इंस्टेंस ही बोल रहा हूँ। अच्छा ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस वेरिएबल नेक्स्ट। स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल और लोकल लोकल वेरिएबल। लोकल। हाँ लोकल वेरिएबल ठीक है। इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल, ये दोनों वेरिएबल क्लास लेवल वेरिएबल कहलाते हैं। कौन सा वेरिएबल? क्लास लेवल वेरिएबल। क्लास लेवल वेरिएबल। क्लास लेवल वेरिएबल। क्लास लेवल वेरिएबल्स कौन कौन से हैं? इंस्टेंस और स्टैटिक वेरिएबल्स। मेथड लेवल वेरिएबल। मेथड लेवल वेरिएबल्स लोकल वेरिएबल कहलाते हैं। ये जो है इंस्टेंस वेरिएबल को हम नॉन स्टैटिक भी बोलते हैं। नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक या इंस्टेंस वेरिएबल। सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे फर्स्ट हम बोलते हैं स्टैटिक वेरिएबल, सेकंड नॉन स्टैटिक। कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। बट क्या है, क्लास लोडिंग के लिए प्रायोरिटी देते हैं, तो इस वजह से सबसे पहले लोड होता है स्टैटिक, देन नॉन स्टैटिक। मेथड लेवल वेरिएबल, जो स्टैटिक वेरिएबल है या फिर नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये है एक एग्जांपल देखो यहाँ पास। फॉर एग्जाम्पल जैसे डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम, ये, और इसमें वैल्यू। वैल्यू मैंडेटरी नहीं है, वैल्यू आप पास करो या ना पास करो, ठीक है, पास भी कर सकते हो, लेकिन ये कौन सा वेरिएबल है? इंस्टेंस वेरिएबल, क्योंकि डेटा टाइप वेरिएबल नेम। अगर नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा, सॉरी स्टैटिक वेरिएबल होगा, तो स्टैटिक कीवर्ड, स्टैटिक कीवर्ड के साथ देन डेटा टाइप, वेरिएबल नेम। ठीक, ये सिंटेक्स है। इसको बोलते हैं डिक्लरेशन। तो क्या बोलते हैं? डिक्लरेशन, वेरिएबल डिक्लरेशन। हमने वेरिएबल को डिक्लेयर किया, ठीक है। क्या है वेरिएबल डिक्लरेशन? डेटा टाइप वेरिएबल नेम, स्टैटिक टाइप डेटा टाइप वेरिएबल नेम, इसको बोलते हैं वेरिएबल डिक्लेरेशन, ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, ये है डिक्लेरेशन।
वेरिएबल ऑपरेशन वेरिएबल डिक्लेरेशन ये वेरिएबल इनिशियलाइजेशन सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए सर इसमें सर थोड़ा सर थोड़ा रिपीट कर दीजिए एक बार सर ये हाँ सर अभी एक मिनट बता रहे वेरिएबल देखो क्लास लेवल वेरिएबल टू टाइप्स के वेरिएबल होते हैं स्टैटिक और नॉन स्टैटिक वेरिएबल है ना। तो क्लास लेवल वेरिएबल में जो कैटेगरी आती है क्लास लेवल मीन्स वेरिएबल में जो कैटेगरी है एक डिक्लेरेशन की होती है डिक्लेरेशन वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल और असाइनमेंट वेरिएबल कितने आते हैं थ्री टाइप्स की कैटेगरी। कौन से डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन में सिर्फ वेरिएबल को डिक्लेयर करना है इसमें कोई वैल्यू नहीं है। तो वैल्यू नहीं है तो क्या वैल्यू होगी इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू जिसमें डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर्ड होगी वो क्या कहलाएंगे डिक्लेरेशन वेरिएबल। इनिशियलाइजेशन वेरिएबल मीन्स वेरिएबल में वैल्यू इनिशियलाइज की जा चुकी है मीन्स वैल्यू स्टोर किया गया है तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन वेरिएबल ठीक है। वेरिएबल इनिशियलाइजेशन कैसे होगा डेटा टाइप्स वेरिएबल नेम इक्वल टू ये है असाइनमेंट ऑपरेटर ठीक है इक्वल टू असाइन करना क्या वैल्यू इसको इसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन मीन्स वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहे हैं मेमोरी में यहाँ वैल्यू नहीं है सिर्फ मेमोरी है तो इसको बोलते हैं डिक्लेरेशन ये है इनिशियलाइजेशन। और जो है स्टैटिक का बिल्कुल स्टैटिक के लिए भी इस तरह से स्टैटिक डेटा टाइप वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू यह है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल असाइनमेंट वेरिएबल असाइनमेंट वेरिएबल असाइनमेंट क्या होती है वेरिएबल असाइनमेंट देखो वेरिएबल डिक्लेयर किया जा चुका है या वेरिएबल इनिशियलाइज हो चुका है ठीक है पहले से तो वेरिएबल का नेम देन वैल्यू चाहे डिक्लेरेशन वेरिएबल है वो डिक्लेयर अभी इसमें क्या है कोई भी वैल्यू स्टोर की गई है नहीं कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब इसके अंदर डिफॉल्ट वैल्यू। तो जब फर्स्ट टाइम वैल्यू इंसर्ट की जाएगी इस मेमोरी में उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन ठीक है। फर्स्ट टाइम जब भी वैल्यू स्टोर की जाएगी मेमोरी में उसको बोलते हैं इनिशियलाइजेशन। देन सेकंड टाइम कोई वैल्यू स्टोर की जाएगी सेम मेमोरी नेम में उसको बोलते हैं असाइनमेंट। समझ में आया वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू यहां पर देखिए वेरिएबल नेम इक्वल टू वैल्यू कोई डेटा टाइप यहाँ डेटा टाइप है क्या नहीं डेटा टाइप क्यों नहीं है क्योंकि वो एग्जिस्ट कर रहा है ये वेरिएबल नेम यहाँ भी अवेलेबल इसका डेटा टाइप मेंशन किया गया है ठीक ये डिक्लेयर किया गया है यहाँ पास वेरिएबल नेम है ना। तो उस वेरिएबल नेम में हम न्यू वैल्यू यहाँ पास हमने मान लो फर्स्ट टाइम 10 स्टोर किया था सेम वेरिएबल नेम में हमने 20 पास कर दिया ठीक है। तो क्या हुआ वेरिएबल नेम सेम है लेकिन वैल्यू चेंज हो रही है। अभी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ डायग्राम बना रहा हूँ बस ये कुछ पॉइंट से लिख दे रहा हूँ फिर बताता हूँ ठीक है नहीं आएगा समझ में आ जाएगा टेंशन मत लो ठीक। वेल इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल असाइनमेंट ठीक है। तो कोई सभी वेरिएबल हो स्टैटिक हो या नॉन स्टैटिक सभी के लिए। तो यहां से मैं कुछ लाइन आपको चेंज करता हूं असाइनमेंट
दूसरा मेथड लेवल वेरिएबल। मेथड लेवल वेरिएबल में क्या है, मेथड लेवल वेरिएबल क्या कहलाते हैं, जो मेथड के अंदर बनाए जाते हैं। मेथड क्या होता है, मेथड बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा मेथड्स क्या होते हैं। अब कोई भी वेरिएबल क्लास लेवल, क्लास के स्कोप में नहीं होगा, मीन्स जो भी क्लास का स्कोप होगा उसके अंदर नहीं होगा मेथड के। जैसे कि मान लो ये एक क्लास का स्कोप है, ओ सॉरी, ये एक क्लास है मीन्स एक फील्ड है। तो ये क्लास है, इसका स्कोप क्या है, स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक वेरिएबल। अब एक मेथड एरिया है, ये मेथड है फर्स्ट मेथड, इसका स्कोप, इसका रेंज क्या है, ये है मेथड, मेथड वन मेथड टू। मेथड वन है जैसे कि आपको कोई भी ऑपरेशन है, कोई ऑपरेशन ये है कि अगर आप फर्स्ट अप्रोच या फर्स्ट वे चुनते हैं, कोई यूजर है ठीक है, फर्स्ट वे अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो आपको सेंड किया जाएगा ये अप्रोच में, मतलब कोई डिफरेंट लॉजिक। जैसे कि फर्स्ट अप्रोच ये है कि आपको कोई डेटा स्टोर करानी है डेटाबेस में, तो आप क्या करेंगे, सेव करेंगे ना, सेव ऑपरेशन। आपने बोला सेव करना है मुझे, तो ये वाला अप्रोच आपको फॉलो करने होंगे सेव करने के लिए, तो जाएगा सेव करने के लिए। लेकिन आपको सेव नहीं करना है, आपको क्या करना है, आपको गेट करना है, फेच ऑपरेशन। उसके लिए सेकंड ऑपरेशन चूज करनी होगी, वो क्या करने के लिए, फेच करने के लिए। तो ये दो ऑपरेशन क्या है, अलग अलग है। यूजर को अगर फेच करना होगा तो कौन सा ऑपरेशन चूज करेगा, सेव या फेच, फेच ऑपरेशन। कोई डेटा डेटाबेस में से गेट करना है, उसको रीड करना है, तो डेटाबेस में फेच ऑपरेशन के लिए। अगर डेटाबेस में से डेटाबेस में स्टोर कराना है तो कौन सा ऑपरेशन चूज करेगा, सेव ऑपरेशन। समझ में आ रहा, डेटाबेस है जैसे आप अपना अपने फ्रेंड, आपको फ्रेंड है, आपको फ्रेंड की पूरी इंफॉर्मेशन, मतलब उसका फोन नंबर एड्रेस ठीक है, इसका ईमेल आईडी, सारी चीजें आपने स्टोर किया है, आपको स्टोर करना है मीन्स ऐड करना है। मोबाइल है ना, मोबाइल में सभी लोग अपने फ्रेंड का डिटेल, कॉल, मोबाइल नंबर, उसका एड्रेस, सारी चीजें जो यूजफुल इंफॉर्मेशन होती है सभी लोग यूज करते हैं। तो आप क्या करते हैं, अपना फ्रेंड का नेम और मोबाइल नंबर ऐड करते हैं। क्या करना होता है, क्रिएट कॉन्टेक्ट। तो क्रिएट कॉन्टेक्ट आपने एक ऑपरेशन चूज किया कि मुझे अपने फ्रेंड का डेटा स्टोर करना है डेटाबेस में, मीन्स ताकि जब भी मुझे कॉल करना हो तो मुझे सर्च करने पर तुरंत हमारे फ्रेंड का, फ्रेंड के नेम से वो कॉल लग जाना चाहिए ठीक है, मीन्स सर्च करने पर वो कॉल नंबर आ जाना चाहिए, है ना। तो क्या यूज करेंगे, क्रिएट ऑपरेशन ना, कि पहले फर्स्ट क्रिएट करेंगे तब जाके आपके डेटाबेस में स्टोर होगा कॉन्टेक्ट नंबर। देन इसके बाद स्टोर करने के बाद सेकंड ऑपरेशन क्या करेंगे, फिर दोबारा आप क्रिएट नहीं करेंगे, क्या करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करेंगे। देन इसके बाद थर्ड ऑपरेशन क्या करेंगे, कॉल करेंगे। फोर्थ ऑपरेशन क्या करेंगे, कट करेंगे, कट मतलब कॉल कट करना। ये सारे ऑपरेशन क्या है, अलग अलग ऑपरेशन है, इसको बोलते हैं मेथड्स। समझ में आ रहा, मेथड्स किसको बोलते हैं, बताओ मेथड्स क्या क्या। अब आपको कोई एप्लीकेशन बनाना होगा तो क्या क्या मेथड्स बनाएंगे, एक तो आपने बना लिया सेव ऑपरेशन, दूसरा सर्च ऑपरेशन सर्च करने के लिए, तीसरा बताओ कॉल हिस्ट्री चेक करना है तो कॉल हिस्ट्री मेथड है,
आपको कॉल करना है तो कॉल ऑपरेशन, ये कॉल ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए मेथड, मेथड के लिए पैरेंथेसिस यूज करते हैं, ठीक है। मैसेज सेंड करना है, सेंड एसएमएस, सेंड एसएमएस, ठीक है। मैसेज इसके लिए अलग ऑपरेशन, और क्या ऑपरेशन होंगे बोलो, क्या मेथड बनेंगे बोलो यार। मोबाइल में आप लोग कितने ऑपरेशन करते हैं, बहुत सारे सर ऑपरेशन है ब्लॉक ब्लॉक, ब्लॉक करते हैं अच्छा सर, हाँ ब्लॉक कर देते हैं, ब्लॉक ऑपरेशन और ब्लॉक मेथड, पर्टिकुलर पर्टिकुलर रिंगिंग सर, जिस हाँ नंबर से सेव ठीक कराया था रिंगिंग को। है, हाँ रिंगिंग, और सर फोटो ऐड करना, फोटो हाँ फ्रेम, प्रोफाइल, प्रोफाइल ऐड करना, प्रोफाइल ऑपरेशन है ना, प्रोफाइल ऑपरेशन, प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे तो प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन। इस तरह से कितने ऑपरेशन होंगे यार, मल्टीपल 100,000 ऑपरेशन, कितने, तो ये सारे ऑपरेशन क्या एक ही काम के लिए, एक ही में हम बना सकते हैं क्या, कि एक मेथड बनाया और उसमें सारा डिटेल रख दिए, पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि हमारे रिक्वायरमेंट ही डिफरेंट डिफरेंट है ना, हमारी रिक्वायरमेंट कभी होगी सेव करने की, कभी डिलीट करने की, कभी एडिट करने की, अगर आपने डेटा एड्रेस सेव किया बाद में पता चले कि नहीं यार वो अभी इस टाइम पे अवेलेबल नहीं है, हैदराबाद में रहता रहा अब चला गया बेंगलोर, तो अब उसका जो कांटेक्ट डिटेल सेंड करेंगे सेव करेंगे तब लोकेशन आप चेंज कर देंगे कि वो हैदराबाद में नहीं है बेंगलोर में रहने लगा है ना, तो उसके लिए जो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड है उसको आप चाहेंगे ना एडिट करना, एडिट मेथड हो एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड को चेंज करने के लिए। और अब कुछ अननेसेसरी कॉल रिकॉर्ड्स हैं उनको रिमूव करना है, उसके लिए डिलीट ऑपरेशन, डिलीट मेथड, डिलीट कर दो रिकॉर्ड, ये सारे के सारे ऑपरेशन किस पे परफॉर्म हो रहे हैं, सारे के सारे ऑपरेशन किस पे परफॉर्म किए जा रहे हैं, किसके लिए बनाए गए हैं ये सारे के सारे ऑपरेशन, डीबी के लिए ना, फर्स्ट ऑपरेशन आपने लॉजिक बनाया क्या करने के लिए, कोई डेटा इनपुट लेना, इनपुट आप क्या कर रहे हैं यहाँ से इनपुट ले रहे हैं ना यूजर से, हे यूजर आप बताओ करना क्या है, यूजर से इनपुट लिया मुझे सेव करना है, हाँ ठीक है सेव करना है, क्या सेव करना है, और कॉन्टेक्ट डिटेल सेव करना है, जब तक वो कॉन्टेक्ट डिटेल आपको इनपुट नहीं देता है तो आप कैसे सेव कर दोगे है? यार हाँ सर, ये एक इनपुट है, बिना इनपुट हमेशा रिक्वायरमेंट यही होगी कि आपको कोई भी डेटा स्टोर्ड कराना है तो वो डेटा है कहाँ, डेटा किधर अवेलेबल है, यूजर के पास, आप मोबाइल यूज करते हैं आप अपने फ्रेंड से बताएंगे कि अपना कांटेक्ट नंबर दो तभी तो वो देगा आप सेव करेंगे, तो कॉन्टेक्ट डिटेल जो है आपका ये है इनपुट, ये क्या है इनपुट, कौन सा ऑपरेशन कॉल कर रहे हैं, इनपुट अगर आप दे रहे हैं तो बताइए क्या कौन सा ऑपरेशन कॉल करेंगे आप, सेव ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन, कॉल ऑपरेशन, आपको करना क्या है, आपको सर्च ऑपरेशन सेव करना है, तो सेव ऑपरेशन में सेव मेथड, तो सेव मेथड जो है इसको क्या इनपुट देंगे, नंबर ना, ये मेथड का काम क्या है, सेव मेथड का, इस मेथड का इनपुट काम, ऑफ करना हाँ जो भी नंबर, मैं इनपुट दूं वो इनपुट आप होल्ड करो और इस इनपुट को पास करो स्टोरेज एरिया जो आपका है जहां भी आपको स्टोर कराना, तो जनरली हम कहाँ स्टोर करते हैं अभी, डेटाबेस में है ना, डेटाबेस में स्टोर कराना, तो ये जो स्टोर होगा डेटाबेस में क्या स्टोर होगा, उसका फ्रेंड का नेम, फ्रेंड
फ्रेंड का नेम कोई ए मान लो और उसका कॉन्टेक्ट डिटेल, ये स्टोर कराए कहाँ, डेटाबेस में स्टोर हो गया। ए नाम से इस तरह से आपने मल्टीपल रिकॉर्ड्स क्या किए, सेव ऑपरेशन कॉल किया, इनपुट दिया, स्टोर्ड हो गया, इनपुट दिया आपने, स्टोर्ड किया। तो ये सेव मेथड वो किस टाइप का डेटा इनपुट ले रहा है बताओ, यहाँ पर डेटा जो इनपुट आ रहा है सेव मेथड किस टाइप का आ रहा है, नंबर ना, यस सर। किस टाइप का है नंबर, कौन सी कैटेगरी में आती है, कौन से डेटा टाइप में आता है, इंटीजर सर। इंटीजर सर। हाँ इंटीजर। तो आपने इंटीजर नंबर ले लिया, इंट बोला इंट नंबर, फोन नंबर है ना, यस। इंट फोन, तो जो भी इंट ये नंबर देगा आप क्या करेंगे इसमें स्टोर कर लेंगे फोन में, और ये फोन जाके कहाँ करेगा स्टोर करेगा, हाँ डेटाबेस में। तो डेटाबेस। इस हाँ तो इसकी लॉजिक क्या होनी चाहिए, कुछ तो लॉजिक होगी, मतलब कौन से डेटाबेस में जाना, कहाँ जाना, मल्टीपल सर्वर्स हैं, कौन से सर्वर्स कनेक्ट करना है, तो हमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो इस लॉजिक को लिखने के लिए हम यूज करते हैं कर्ली ब्रेस। लॉजिक की करना क्या है, इस इनपुट का, इस जो इनपुट दिया इसका करना क्या है, आप बोलोगे किसको सेव करना है स्टोर करना है डेटाबेस में, तो कौन सा डेटाबेस है उसका डीबी की प्रॉपर इंफॉर्मेशन, डीबी इन्फो किधर जाना है उसको डेटा, उसका कौन सा टेबल होगा, कितने कौन सा कॉलम्स क्रिएट होंगे, कितना उस कौन से कॉलम में नेम स्टोर होगा, कौन से कॉलम नंबर स्टोर होगा, कौन से कॉलम में डेट टाइम स्टोर होगा कि कब आपने क्रिएट किया था, सारी इंफॉर्मेशन हम क्या करेंगे यहाँ पास स्टोर करेंगे, तो ये इसको बोलते हैं लॉजिक। तो मेथड नेम एंड इनपुट, देन इसके बाद लॉजिक। लॉजिक लॉजिक क्या है कि करना क्या है इस नंबर का, इस नंबर का आपको, इस नंबर से आपको फोन कॉल लगाने हैं या इस नंबर को स्टोर करने हैं। तो कॉल लगाना होगा तो कॉल करने की लॉजिक होगी, वो सर्वर से कनेक्ट करेगा, मीन्स सेटेलाइट से जो भी होगा, टावर से कनेक्ट करेगा, है ना। तो लॉजिक हम क्या लिखते हैं यार, कर्ली ब्रेस के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले उस ऑपरेशन का नेम, देन इसके अंदर इनपुट, अब ये यूजर को इन्फॉर्म करना है, क्यों यूजर को इन्फॉर्म करोगे ना कि आपका जो रिकॉर्ड है ये स्टोर्ड किया गया है या नहीं डेटाबेस में, है? अगर आप कोई डेटा रिकॉर्ड स्टोर करते हैं, आप मोबाइल नंबर स्टोर करें और आप उसको सर्च ना कर पाए, आपको मैसेज ना मिले कि नहीं स्टोर्ड हुआ है नहीं हुआ है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, मतलब यूजर सेटिस्फाई कैसे होगा कि मेरा रिकॉर्ड वाकई में सेव हो गया या नहीं। तो यूजर सर कॉन्टेक्ट लिस्ट में कॉन्टेक्ट देखें। लिस्ट में देखेगा, तो वो क्या है, रेस्पॉन्स, डेटाबेस ने इसको रेस्पॉन्स दिया, बताया कि ये रिकॉर्ड आपका स्टोर्ड हो चुका है ना, तभी तो वो यस कॉन्टेक्ट लिस्ट सर। में आ रहा। हाँ फोन पे करते हैं आप, गूगल पे फोन पे किसी को ट्रांजेक्शन करते हैं, पैसे डालने के बाद वो पैसा चला गया, ठीक है, लेकिन अगर आपको सक्सेस मैसेज ना दे आप क्या करोगे बताओ, वेट करोगे या फिर बैंक जाओगे पता करने के लिए मैंने पैसे जो भेजे थे चला गया या नहीं, टेंशन या में आ फिर जाएंगे हाँ सर, टेंशन में आ जाएंगे टेंशन में आ जाएंगे कि, और सबसे अच्छा तो पैसे लेने वाले का रहेगा, वो एक बार आएगा उसके अकाउंट में बोलेगा अभी तक नहीं आया, फिर तो दोबारा सेंड कर पैसा कहाँ से आया। ऐसा रहता तो मेरा मेरा तो काफी फायदा रहता है ना, आप लोग फीस एक दिन में 2 बार पे करते दो सही है तीन दिन सर। बाद तो सीधे बोल देता है अरे यार अभी तक तो सर आए नहीं ठीक है। तो यूजर को एक प्रॉपर मैसेज देना जरूरी है ताकि वो समझ सके कि उसका जो जो ऑपरेशन कर रहा था वो कंप्लीट हो चुका है, उसका वो रिजल्ट मिला है ना। तो उसके लिए हम क्या इस मेथड से ही बोलेंगे ना, क्योंकि इससे काम करवा रहे हैं सेव ऑपरेशन से, तो सेव ऑपरेशन ही हमें बताएगा कि हाँ ये काम हमने कंप्लीट कर दिया है, तो वो कुछ न कुछ यूजर को रिटर्न करेगा, क्या रिटर्न करेगा, रेस्पॉन्स ना। यस सर। तो क्या रेस्पॉन्स रिटर्न करेगा, अगर आप इनपुट कर रहे हैं क्या, फोन नंबर, फोन
फोन नंबर स्टोर्ड हो गया है, मतलब आपका क्रिएट हो गया है, तो रेस्पॉन्स क्या रिटर्न करेंगे, यस या नो? हाँ या हाँ, ट्रू और फॉल्स? अगर यस स्टोर्ड हो रहा है तो बोल दो कि ट्रू, अगर स्टोर नहीं हुआ है, नेटवर्क इशू है, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है डेटाबेस में, प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं हुई है, नेटवर्क प्रॉब्लम है या कुछ और रीजन है, तो उस रीजन में हमें क्या है, आपको रिटर्न करना होगा डेटा, मतलब इंफॉर्मेशन। क्या इंफॉर्मेशन है? रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप आपका किस टाइप का है? ट्रू और फॉल्स होगा तो बुलियन, बुलियन वैल्यू, बुलियन, या तो यस वन स्टोर होगा या तो ट्रू स्टोर होगा या तो फॉल्स। अगर इंट अगर स्टोर कराएंगे रिटर्न में तो या तो वन स्टोर होगा या तो जीरो। स्ट्रिंग स्ट्रिंग लेंगे तो या तो यस रिटर्न करेगा या फिर नो, या सक्सेस या फेल या कोई भी मैसेज, है ना? तो ये है रिटर्न टाइप, मेथड का रिटर्न टाइप, ये है इनपुट और ये है लॉजिक। इसी तरह से सारे मेथड बनाते हैं। फेच करना है, क्या फेच करना है आपको? उसका नेम, यूजर का नेम, तो यूजर का नेम दिया स्ट्रिंग नेम। नेम क्या रिटर्न करेगा आपको? नेम जाएगा डेटाबेस से, कनेक्टिव बनाएगा, कनेक्टिविटी बनाएगा, देन इसकी लॉजिक लिखी जाएगी यहाँ पास, है ना? लॉजिक, लॉजिक क्या रिटर्न करेगा? यूजर का नेम। नेम किस टाइप का? स्ट्रिंग टाइप का, है ना? समझ में यार मेथड है? इस तरह सर्च करना है आपको। क्या सर्च करना है आपको? सर्च करना है कि कोई नंबर आपने नाम दिया, ठीक है, स्ट्रिंग नेम, नेम एंटर किया, नेम का अगर फर्स्ट लेटर आप दे रहे हैं, सेकंड लेटर दे रहे हैं, आप कंप्लीट नेम दे रहे हैं, तो उसके बेस पे आपको यहाँ जा रहे हैं, इसकी लॉजिक, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, समझ लेना। नेम लॉजिक होगा इसके अंदर, देन इसके बाद रिटर्न, रिटर्न क्या करेगा? नंबर, नंबर किस टाइप का? इंट टाइप का, वो आपको रिकॉर्ड रिटर्न करना है, ठीक है यूजर। इसी तरह से कॉल करना है, कॉल किसे करना है? तो नंबर आप इनपुट करेंगे, क्या इनपुट देंगे कॉल करने के लिए? इंट नंबर, है ना? नंबर आपने इनपुट किया, अब ये कॉल लगाएगा, कॉल लगने के बाद यस कनेक्शन, कनेक्शन कंटिन्यू स्टार्ट, है ना? तो जो भी इसका रिटर्न टाइप क्या होगी, अब कॉल का रिटर्न टाइप अलग होगा, वो कॉल कनेक्ट हो जाएगा ना। तो एक मान लो हमारा डेटा फ्लो के लिए एक्चुअली रेस्पॉन्स आएगा यस या नो कि हाँ कॉल कनेक्ट, स्ट्रिंग या बुलियन या ट्रू और फॉल्स। तो इस तरह से हमने रिटर्न बना दिए, हाँ कि कॉल कनेक्टेड, जब कॉल कनेक्ट होगा तो आपका चलता रहेगा। इसी तरह से सेंड मैसेज, सेंड मैसेज के मेथड कैसे बनेंगे यार? क्या इनपुट दे रहे हो मैसेज सेंड करने के लिए? वो मैसेज है ना, किस टाइप के मैसेज? स्ट्रिंग, MSG मैसेज, किसको सेंड करना है, इसका डिटेल लॉजिक, और रिटर्न क्या देना चाहिए, रेस्पॉन्स क्या आएगा, यस सेंड हो गया मैसेज, है ना? स्ट्रिंग, अगर ट्रू और फॉल्स चाहिए तो बुलियन डेटा टाइप। समझ में यार मेथड क्या होते हैं? हेलो, यस सर, हाँ सर आ गया। हाँ आगे। तो मेथड में इम्पोर्टेंट क्या है? मेथड का नेम, मेथड नेम। सेकेंड इम्पोर्टेंट इनपुट, इनपुट टाइप, क्या इनपुट दे रहे, किस टाइप का डेटा दे रहे, इनपुट डेटा टाइप, इसका डेटा टाइप होगा, डेटा टाइप क्या इनपुट दे रहे, इनपुट नेम, इनपुट मैसेज। इसके बाद कर्ली ब्रेस ओपन होगी किसके लिए? लॉजिक के लिए। लॉजिक यहाँ पास आप लिखेंगे लॉजिक, लॉजिक। अब ये लॉजिक प्रॉपर कंप्लीट एग्जीक्यूट होने के बाद ये रिटर्न क्या करेगा? रिटर्न, रिटर्न, रिटर्न क्या करना है इसका? रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप कहाँ होगा? रिटर्न, जैसे कि मान लो रिटर्न कर रहा है आपका जीरो, जीरो किस टाइप का डेटा है? इंट ना, तो रिटर्न क्या होगा? इंट टाइप, इंट है ना? रिटर्न यही होगा ना, इंट टाइप, क्योंकि इंट वैल्यू जीरो,
यस हाँ, तो इसको हम बोलेंगे रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप। तो मेथड में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? रिटर्न टाइप है, मेथड यस सर नेम, इनपुट, ये तीन चीजें इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीन चीजें नहीं है, तीन चीजों में से ये ऑप्शनल है, ठीक है, ये ऑप्शनल है, ठीक है, मैंडेटरी क्या है? मैंडेटरी जो है आपका रिटर्न, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप, मेथड नेम, देन ये मेथड नेम और रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप किस टाइप का होना चाहिए? अगर ये नहीं है तो वो मेथड नहीं कहलाएगा, मेथड नहीं कहलाएगा, मेथड कंप्लीट नहीं है, है ना? वो मेथड वर्क नहीं करेगा, सिंटेक्टिकली एरर रहेगा, ठीक है। तो मेथड हमारे पास कैसे बनाया जाता है? मेथड का नेम होना जरूरी है और रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप किस टाइप का रिटर्न टाइप होना चाहिए? कैसे रिटर्न वैल्यू होना चाहिए? हमारे पास कितने प्रिमिटिव डेटा टाइप है यार? डेटा टाइप, डेटा ही रिटर्न करेंगे ना, इनपुट भी लेंगे तो डेटा इनपुट लेंगे और रिटर्न भी करेंगे तो डेटा रिटर्न करेंगे। कितने टाइप्स के हैं यार? सर 8 टाइप के। कौन कौन से? टाइप्स सर बाइट शॉर्ट बाइट, शॉर्ट इंट, लॉन्ग, लॉन्ग फ्लोट, डबल कैर बुलियन कैर, बुलियन और ये हो गया। ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप। रेफरेंस डेटा टाइप कौन कौन से होते हैं? स्ट्रिंग, एरे, स्ट्रिंग अरे हाँ, और यूजर डिफाइंड, स्टूडेंट, एम्प्लॉई और प्रोडक्ट, कुछ भी प्रोडक्ट, तरह से जो भी अपने डेटा टाइप बनाए वो सारे ये क्या कहलाएंगे? रेफरेंस डेटा टाइप। प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप में बताओ। प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप में क्या डिफरेंस है? प्रिमिटिव डेटा टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप और रेफरेंस डेटा टाइप में, रेफरेंस डेटा टाइप, डिफरेंट डेटा टाइप्स। प्रिमिटिव डेटा टाइप जो होती है सिंगल वैल्यू होल्ड करता है, ठीक है, कौन सी? सिंगल वैल्यू, ओनली सिंगल वैल्यू स्टोर कर सकता है। और रेफरेंस डेटा टाइप जो है ये मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर मल्टीपल सकता है। हाँ, ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ग्रुप ऑफ जो भी, जैसे कि स्ट्रिंग है तो ग्रुप ऑफ कैरेक्टर, ये आपका ग्रुप ऑफ वैल्यू जो है वो स्टोर कर सकते हैं। ये डिफरेंट डेटा टाइप के लिए है। ये जो है सिमिलर डेटा टाइप, मतलब जो नंबर है तो नंबर ऑनली स्टोर करेगा, कैरेक्टर है मीन्स स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग स्टोर करता है, और स्टूडेंट है ये आपका जैसा चाहे वैसा बना सकते हो, ठीक है। डिफरेंट डेटा टाइप मीन्स डिफरेंट डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकता है। एम्प्लॉय भी डिफरेंट डेटा स्टोर कर सकता है क्योंकि ये यूजर डिफाइंड, ठीक है। तो ये जो है इसमें स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग हमेशा क्या है स्टोर करता है? सेम डेटा टाइप, स्ट्रिंग टाइप का। अगर आप इसको नंबर दोगे तो नंबर नहीं स्टोर करेगा, लेकिन ये नंबर और स्ट्रिंग में अंतर क्या है? अगर ऐसा मत समझना कि डबल कोट्स मतलब स्ट्रिंग वैल्यू। अब ये स्ट्रिंग जो वैल्यू है इसमें 10+, मैंने किया 10+20, कितना हो गया यार आउटपुट इसका? 1020। ये है स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मतलब ये जो कैरेक्टर स्पिरिट करता है। ऐसा नहीं कि इसमें नंबर आपने पास किया तो वो नंबर होगा, नंबर नहीं, नंबर तब होगा
जब वर्ड्स का डेटा टाइप क्या होगा, इंट बाइट शॉर्ट मीन्स इंटीजर, ये प्रिमिटिव जो वैल्यू है इंटीजर, इंट वैल्यू लॉन्ग है फ्लोट इसके वैल्यू में आएगा तब, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ पास इंट लिया तब 10 प्लस 20 आउटपुट 30, समझ में आया। तो इसका डेटा टाइप क्या रखना होगा आपको, इंट, जब आपको कोई कैलकुलेशन करना है तो। अगर आपको मैसेज डिस्प्ले कराना है, मैसेज मतलब एक स्टोर कराना है, तो इसके लिए स्ट्रिंग बनाएंगे, ठीक है। तो ये ग्रुप ऑफ कैरेक्टर्स जो होते हैं क्या है, स्ट्रिंग स्टोर करता है। एरे जो है मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो एरे स्टूडेंट ये डिफरेंट टाइप का डेटा टाइप स्टोर कराने के लिए है ऐसा, ठीक है। यहाँ देखो मेथड, मेथड कैसे बनेंगे, मेथड बनाने के लिए मेथड नेम, मेथड नेम जैसे मैंने ले लिया ऐड, ऐड करना है या सम, ठीक है। सम मेथड का नेम, सम करने के लिए बताओ क्या चाहिए हमें, इनपुट। सम करने के लिए इनपुट बताओ टू डिजिट है ना, टू डिजिट इनपुट चाहिए ना। इनपुट इंट ए, इंट ए, इंट टाइप का ए वेरिएबल, ए वेरिएबल मीन्स, ए मीन्स मेमोरी नेम, मेमोरी क्रिएट ना, मेमोरी क्रिएट। किस टाइप की मेमोरी क्रिएट की जाएगी, इंट टाइप। क्या वैल्यू स्टोर होगी, क्या वैल्यू स्टोर होगी, ए। अरे इंट का डिफॉल्ट वैल्यू यार, जब भी मेमोरी क्रिएट होगी तो हमेशा क्या होगा, अब कोई वैल्यू इसके अंदर स्टोर नहीं किया, इसका मतलब डिफॉल्ट वैल्यू होगी, है ना, डिफॉल्ट वैल्यू। हाँ डिफॉल्ट वैल्यू इंट की क्या है, जीरो, जीरो, जीरो। तो सेकंड वैल्यू इंट बी, इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जीरो। लॉजिक, लॉजिक क्या है, लॉजिक ये है कि ए में जो वैल्यू स्टोर्ड है, ए में क्या स्टोर्ड है, जीरो ना, प्लस बी में क्या वैल्यू स्टोर्ड है, जीरो। जो ऐड करने पर जो रिजल्ट है उसको आप क्या करो, इंट सी में स्टोर कर दो। सी मीन्स एक नई मेमोरी, ठीक है। अब रिटर्न क्या करना है, रिटर्न करो, रिटर्न, रिटर्न करो सी, सी में क्या डेटा है, जीरो ना, जीरो प्लस जीरो, जीरो इक्वल टू जीरो, रिटर्न क्या करोगे। अब ये मेथड, सम मेथड क्या रिटर्न कर रहा है, सम बताओ, सम मेथड रिटर्न रेस्पॉन्स क्या दे रहा है, रिटर्न क्या कर रहा है यार, एनसी सर, सी रिटर्न कर रहा है। सी किस टाइप का डेटा, सी किस टाइप का डेटा होल्ड कर रहा है, रिटर्न टाइप मैंने बताया ना, रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप क्या है, किस टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है, रिटर्न टाइप क्या होनी चाहिए बोलो, इंट ना, यस क्योंकि इंट वैल्यू स्टोर, इंट वैल्यू स्टोर कर, इसके अंदर क्या वैल्यू हो सकती है, इंट वो आपका 10 20 30 40 कोई भी रिजल्ट हो सकता है, ये है आपका लॉजिक, ठीक है। इस लॉजिक को अब हमने क्या किया, एक इनपुट दिया, ठीक है। इस लॉजिक को हम इनपुट कैसे देंगे, इस लॉजिक को हम इनपुट कैसे देंगे, हमें इस मेथड की रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना, तभी तो हम देंगे। तो मेथड का नेम क्या है, सब, इनपुट क्या देना है इसको, 20, 50 आपने 20 दिया और 50, तो 20 ये सम मेथड सर्च करता है, सम मेथड एक्चुअली अवेलेबल कहाँ है, क्या सम मेथड इस यहाँ एक प्रेजेंट है, यस प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट है तो सम मेथड कॉल करो और हमें रिटर्न करो डेटा। तो डेटा क्या रिटर्न करना चाहिए, ये रिटर्न किस टाइप का कर रहा है, इंट, इंट वैल्यू रिटर्न करेगा। लेकिन ये जैसे ही आप सम, ये इस मेथड को कॉल, ये मेथड क्या होता है, मेथड डेफिनेशन और ये मेथड कॉलिंग, कैसे मेथड डिफाइन करते हैं और कॉल करते हैं, ये सिंटैक्स है। तो
मेथड कॉल कैसे करते हैं, मेथड का नेम, देन क्या इसकी इन रिक्वायरमेंट है, इस मेथड की रिक्वायरमेंट क्या है, किस टाइप का डेटा आपको इनपुट देना है। तो आपने इनपुट क्या दिया, टू इनपुट्स 2050। हाँ 2050। ये क्यों, क्योंकि ये मेथड इंट टाइप का ही डेटा एक्सेप्ट कर रहा है। अगर स्ट्रिंग मांगता है तो आपको स्ट्रिंग देना पड़ता, कैर मांगता फ्लोट बुलियन टाइप का तो फ्लोट बुलियन वैल्यू देना पड़ता, तो जो मांग रहा है वो ही हमें देना पड़ेगा। तो ठीक है, तो यहाँ जब ये मेथड एग्जीक्यूट होगा तो एक मेमोरी बनेगी इंट ए, है ना, इंट ए की मेमोरी बनेगी ना। क्या नाम होगा मेमोरी का, मेमोरी का नेम ए होगा। किस टाइप की वैल्यू स्टोर करेगा इसके लिए, बाय डिफॉल्ट क्या होगी, जीरो होगा, लेकिन वैल्यू क्या स्टोर की जाएगी जब यहाँ पास मेथड कॉल किया जाएगा। तो पहली वैल्यू क्या आ रही है, 20 ना, 20 मतलब इनपुट दिया यहाँ पास। तो ये इनपुट, इनपुट क्या मतलब, ये इस मेमोरी में स्टोर होगी, ये मेमोरी क्रिएट होगा इंट, या सेकंड मेमोरी क्रिएट होगी क्या, 50। मेमोरी नेम क्या है, मेमोरी का नेम क्या है, बी। तो अब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगा, फर्स्ट लाइन काम खत्म। ये इनपुट यहाँ से कॉल किया मेथड को, पास किया डेटा इनपुट, इसने मेमोरी बनाया, क्रिएट किया, स्टोर किया ए और बी में। अब ए मेथड और इनपुट अपना हो गया सर अभी, हाँ मेथड और ये हो गया इनपुट कंप्लीट। ए इनपुट, हाँ ए, ए मेमोरी नेम ये जाएगा इसके पास। यहाँ प्रेजेंट क्या है, 20, 20 प्रेजेंट है ना, ए में 20 प्रेजेंट है, यस 20 प्लस, देन इसके बाद बी में, बी मेमोरी के पास जाएगा, बी मेमोरी में क्या प्रेजेंट है, 50, 50 प्रेजेंट है, तो 20 प्लस 50 ऐड करेगा, क्या वैल्यू बनेगी, 70। तो 70 पास किया जाएगा थर्ड मेमोरी में, तो ये मेमोरी, एक मेमोरी और क्रिएट होगी, क्या नाम से, इंट नाम से, डेटा टाइप क्या है, 70, तो जो भी मेमोरी, ये वेरिएबल ने मिस मेमोरी उसका डेटा टाइप, तो ये क्या नाम बनाया, सी ना, सी मेमोरी में 70। रिटर्न क्या कर रहे, रिटर्न क्या किया जा रहा, बोलो, सी रिटर्न किया, सी में क्या है प्रेजेंट, सी में इंट है सर, सी में 70 है ना, इंट टाइप 70। तो जब ये रिटर्न करना है तो एक और मेमोरी है वो इंट टाइप की, तो इंट ये मेथड, मेथड लेवल मेमोरी होती है, मेथड वाली, तो ये एक्सेस नहीं करना है, ये सिंपली इंटरनली ये क्या करता है, 70 को होल्ड करता है, ठीक है। तो जो रिजल्ट आया है इसने क्या किया, इंट ने होल्ड किया है, अब ये रिटर्न करेगा किसको, किसको रिटर्न करेगा, 70, इस मेथड को। तो बताओ इस मेथड को रिटर्न कर दिया है तो ये जो है एक्चुअली ये जो है रिप्लेस हो जाएगी सारी वैल्यू किससे, 70 से। अब वो मेथड, मेथड नहीं रहेगा, रिटर्न होने के बाद रिप्लेस हो जाएगी किससे, इससे। तो बताओ इस 70 को आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे कि आप इसको स्टोर करेंगे इंट वैल्यू में रिजल्ट में, स्टोर करेंगे ना, ये स्टोर करेंगे। ये है ये अप्रोच होता है कैसे मेथड बनाते हैं, मेथड कॉल करते हैं। तो यहाँ पास अभी प्रेजेंट क्या है, सम में, सम मेथड में जो आपने 20, 50 दिया था उसके बेस पे सेमी कॉलन, सेमी कॉलन मीन्स मेथड कॉलिंग। तो हम इसको किस में होल्ड किए, रिजल्ट में, रिजल्ट। अब रिजल्ट मिल गया तो रिजल्ट को आप डिस्प्ले कराओ, चाहे आप जो करना वो करना, ठीक है। बट हमारे रिजल्ट में क्या आ गया, रिटर्न आ गया। तो रिजल्ट अगर डिस्प्ले करानी है तो क्या करोगे, इसके लिए सिस्टम कंसोल
पे प्रिंट कराना, कंसोल पे प्रिंट कराने के लिए, देखने के लिए। तो क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट करो, प्रिंट ln ऑफ, क्या है रिजल्ट, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा ये, 70। रिजल्ट क्या होगा, आउटपुट ये लाइन समझ में आया। तो ये क्या कहलाते हैं, मेथड्स। तो मेथड्स हमारे किसी भी टाइप के हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, मैं बताऊंगा आपको पूरा मेथड के बारे में। लेकिन मान लो यहाँ तो हम रिटर्न कर रहे हैं, लेकिन कुछ मेथड ऐसे भी होते हैं जहां हम कुछ भी रिटर्न नहीं करते, मतलब हमने जो काम दिया तुम काम कर दो, हमें रेस्पॉन्स की जरूरत नहीं, हमारा काम हो जाना चाहिए, उससे मतलब नहीं है, मुझे रेस्पॉन्स नहीं चाहिए। तो जब रेस्पॉन्स नहीं चाहिए, मीन्स ये रिटर्न कर रहा है इंट टाइप का डेटा, बट मैंने बोला कि नहीं मेरे पास टाइम नहीं है ये तुम्हारा रिजल्ट जो है स्टोर कराने का, या मुझे इससे मतलब नहीं है, आप इसको क्या काम करो, आप क्या करो, ये इनपुट मैं आपको दे रहा हूं, आप इनपुट दो, ठीक है, कैलकुलेट करो, डिस्प्ले भी खुद ही करो तुम, मैं डिस्प्ले नहीं करूंगा, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट मैं लिख रहा था, लेकिन मुझे जर्मनी, मैं आपसे ही बोल रहा हूँ आप करो, मुझे रिटर्न मत करो कुछ भी, तो उस सिचुएशन में मेथड कैसे बनेंगे, मुझे रिटर्न नहीं चाहिए, डिस्प्ले करो आउटपुट। तो उसके लिए सेम सिनेरियो, देखो क्या है, बस थोड़ा सा चेंजेस है। आपने क्या लिखा, एक सम मेथड बनाया, ठीक है, इंट ए लिया, मेमोरी क्रिएट किया, एक फर्स्ट वैल्यू स्टोर करने के लिए, बी सेकंड वैल्यू स्टोर करने के लिए, देन इसकी लॉजिक, लॉजिक क्या लिखी, इंट जो रिजल्ट आएगा सी में होल्ड किया, क्या रिजल्ट आया, ए प्लस बी, और इसमें हमने बोला रिटर्न करने के लिए। तो आपको रिटर्न नहीं करना है कि रिटर्न करना, हमें रिटर्न नहीं करना है, तो रिटर्न नहीं करना है, क्या करना है, प्रिंट करना है। तो प्रिंट करना है तो कैसे प्रिंट करेंगे, कंसोल पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, प्रिंट एलन ऑफ सी, सी में रिजल्ट है, रिटर्न नहीं करना। अब जब रिटर्न नहीं करना है तो रिटर्न टाइप तो मैंडेटरी है ना, मेथड में मैंने बताया ना रिटर्न टाइप मैंडेटरी है, अगर रिटर्न टाइप नहीं लिखोगे तो क्या देगा, मेथड एरर, मेथड सिंटैक्टिकली एरर। तो रिटर्न टाइप आपका मैंडेटरी है, तो कैसे मैनेज करोगे जब रिटर्न ही नहीं करना है, तो इसके लिए एक कीवर्ड है, वो है क्या, जब आपको कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो उस मेथड को हम बनाते हैं void, void means कुछ भी रिटर्न नहीं करना, ठीक है। तो अभी सिचुएशन में क्या होगा, इस सिचुएशन में मेथड आप कॉल करोगे, क्या नाम से, सम नाम से मेथड आपने कॉल किया, पास किया 30, 40, जो रिजल्ट आएगा वो सिंपली जो आउटपुट होगा इधर, अब आपका जो रिजल्ट है, रिजल्ट, रिजल्ट क्या होगा आपका, ओपी कॉमा, कितना हो गया, 70 ना, 70, ये आपका रिजल्ट, रिजल्ट डिस्प्ले हो गया, सिर्फ रिजल्ट। यहाँ पर देखो, यहाँ कितने लाइन लिखने पड़ रहे थे, आपको मेथड भी कॉल करने पड़ रहे थे और रिजल्ट भी प्रिंट कराने पड़ रहे थे। मैं सिर्फ मेथड कॉल किया क्या करने के लिए, इनपुट पास करने के लिए, किसने किया, रिटर्न वैल्यू, आप रिटर्न वैल्यू को होल्ड किए, उसके लिए आपको एक मेमोरी क्रिएट करनी पड़ी, यहाँ पे एक मेमोरी क्रिएट होगा, ठीक है, ये होल्ड करने के लिए, वो होल्ड किया, देन इसके बाद प्रिंट किया आउटपुट। और इस सिचुएशन में क्या है, इस सिचुएशन में क्या आपने सिंपली बस क्या किया, डायरेक्ट मेथड कॉल किया और ये सारा काम आपका कंप्लीट कर दिया, ये इनपुट भी आपसे लिया, बिजनेस लॉजिक भी एक्सक्यूट किया और स्टेटमेंट प्रिंट भी कर दिया, डायरेक्ट प्रिंट किया कि आउटपुट आपको मिला, आउटपुट क्या होती है, ठीक है, तो ये कंसोल पर डायरेक्ट आपका प्रिंट हो जाएगा, ऐसा मान लो, ठीक है।
आपने सिंपल कॉल किया, इधर प्रिंट हो गया, ठीक है। मेथड, तो मेथड लेवल वेरिएबल्स, तो कौन सा हम पढ़ रहे थे, मेथड समझ में आया? मेथड अभी कंप्लीट चले गए, अभी मेथड ये सिर्फ आपको इंट्रोडक्शन था, मेथड क्या होता है, मेथड की पूरी क्लासेस चलती हैं, स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, इसके मॉडिफायर्स, इसके अंदर क्या चीजें की क्या बोलते हैं, एरे टाइप की वेरिएबल, डिफरेंट टाइप के डेटा टाइप, कलेक्शन वेरिएबल और यूजर डिफाइंड टाइप के डेटा टाइप है, तो कैसे सारी चीजें डील करेंगे। तो मेथड बहुत बड़ा चैप्टर है, मेथड ये स्टार्टिंग है ना, बेस यही है, बेस हमेशा याद रखना इनपुट और आउटपुट ऑपरेशन, हमेशा इनपुट दिया जाएगा और ये रिटर्न करेगा ये आउटपुट। तो रिटर्न टाइप कब लिख, रिटर्न कब लिखते हैं कीवर्ड, जब हमें कोई वैल्यू रिटर्न करनी होती है, और रिटर्न यहाँ देखिए नहीं है, इसका मतलब ये है कि वॉइड टाइप का, ठीक है, समझ में आ रहा मेथड यार? हाँ सर, आ रहा है सर, किसको डिफिकल्ट लग रहा? आ रहा है सर, आ रहा है, डिफिकल्ट सर। लगेगा तो बता देना यार, इससे भी इजी वे बता दूंगा फिर, लेकिन ये है कि टाइम फालतू इसमें खींचेगा, अगर आप जल्दी समझ जाओगे तो कोर्स जल्दी कंप्लीट होगा, है ना। मेथड लेवल वेरिएबल को क्या बोलते हैं हम, लोकल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल। तो मेथड समझ गए, ये मेथड है, इसमें जो हम वेरिएबल बनाते हैं वो सारे मेथड क्या कहलाते हैं, लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल को इनिशियलाइज करना इम्पोर्टेंट है, इनिशियलाइज, इनिशियलाइज मतलब इसमें आपको वैल्यू पास करनी पड़ेगी, और यहाँ क्लास लेवल वेरिएबल में डिक्लेरेशन पॉसिबल है, आप डिक्लेरेशन डिक्लेयर कर सकते हैं, इनिशियलाइजेशन पॉसिबल है, असाइनमेंट, असाइनमेंट आपका दे सकते हैं, ठीक है, असाइन कर सकते हैं, लेकिन ये सारी चीजें मेथड लेवल में पॉसिबल नहीं है। मेथड लेवल में क्या पॉसिबल है, ओनली इनिशियलाइजेशन एंड असाइनमेंट, ठीक है। देखो एक स्टेटमेंट आपको बता दूं, ये स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, क्लास लेवल वेरिएबल, कितने टाइप के वेरिएबल होते हैं क्लास लेवल वेरिएबल, टू टाइप्स के, कौन कौन से, स्टैटिक वेरी, स्टैटिक कीवर्ड, देन डेटा टाइप, डेटा टाइप्स कोई नेम ले लो, स्ट्रिंग, स्ट्रिंग यूजर नेम, ये क्या है, यूजर नेम मेमोरी का नेम, ठीक है। नेक्स्ट नॉन स्टैटिक वेरिएबल, नॉन स्टैटिक वेरिएबल क्या कहलाएंगे, यूजर नेम, नॉन स्टैटिक वेरिएबल यार, जैसे कि मान लो मैं मोबाइल नंबर ले लो, स्ट्रिंग मोबाइल, या फिर इंट ले लो, इंट मोबाइल, मोबाइल नंबर, ये क्या हो गया आपके क्लास लेवल वेरिएबल। मेथड लेवल वेरिएबल, एक मेथड बनाए, मेथड, मेथड क्या है, सेंड एसएमएस, सेंड एसएमएस नाम के मेथड बनाए, ये लॉजिक, लॉजिक, अब मैसेज सेंड करना है हमें, मैसेज सेंड करना है, क्या मैसेज सेंड करनी है, अगर यूजर का नेम, ठीक है, यूजर नेम आप सेंड करो मैसेज में, यूजर नेम और सेंड करो क्या, हाय, हाय प्लस यूजर का नेम, ठीक है। मेथड नेम क्या है, सेंड एसएमएस, मैसेज सेंड क्या करना है आपको, मैसेज, तो इसके लिए मैंने एक स्ट्रिंग मैसेज, एमएसजी, मैसेज हम पास करेंगे इसको, मैसेज सेंड कर दो, मैसेज क्या मैसेज होगा,
रिटर्न, रिटर्न या फिर रिटर्न करना है कि मैसेज सेंड करना है या फिर डिस्प्ले कराना है। तो डिस्प्ले कराने के लिए क्या यूज करेंगे, सिस्टम है ना, कंसोल यस पे सर, प्रिंट करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ऑफ मैसेज MSG, ये मैसेज प्रिंट करना है। तो जब कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता है तो क्या देते हैं, वर्ड देते हैं। अगर वर्ड नहीं देंगे तो सिंटेक्टिकल एरर होगा। यस, अब आप मैसेज डिस्प्ले करो। अब यहाँ पास सॉरी सेंड मैसेज है या फिर मैं सेंड SMS, या फिर चलो ठीक है सेंड SMS ही ले लो। नेक्स्ट, अब एक मेथड है पब्लिक, मेन मेथड ठीक है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। मेन मेथड क्यों यार, मेन मेथड क्यों, अरे ताकि JVM, JVM क्या करे, इनको मेमोरी प्रोवाइड करे और ये सेंड मैसेज सेंड भी करे, इस मेथड को एग्जीक्यूट करे। इसके लिए हम बनाएंगे क्या, मेन मेथड। तो मेन मेथड जो है इनपुट, इनपुट किस टाइप का लेता है, स्ट्रिंग, हाँ स्ट्रिंग एरे, ए एरे, एरे का सिंबल है एरे, सर, हाँ ARG, आर्ग्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स क्या आर्ग्यूमेंट्स है, जो भी आपका आर्ग्यूमेंट्स बताऊंगे इसके लिए कैसे आर्ग्यूमेंट्स इनपुट लेता है मेथड। हाँ अभी यहाँ पास बताओ, यूजर का नेम ये डिक्लेरेशन है या फिर इनिशियलाइजेशन है या फिर असाइनमेंट वेरिएबल, तो डिक्लेरेशन डिक्लेरेशन वेरिएबल है ना। अभी हमने है क्या सर। किया, हाँ इसको डिक्लेयर किया, क्या इसके अंदर कोई वैल्यू है, सर, नो सर, डिफॉल्ट हाँ यार डिफॉल्ट वैल्यू, वैल्यू, सॉरी सर, डिफॉल्ट हाँ क्या वैल्यू है, डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू क्या स्टोर्ड है बताओ, क्या डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर्ड है, सर, इसकी तो नल होगी ना सर, स्ट्रिंग की। नल होगी, स्ट्रिंग है ना तो इसलिए हाँ नल हाँ होगी। अगर नीचे वाले में क्या डिफॉल्ट वैल्यू स्टोर्ड है मोबाइल में, जीरो, जीरो है ना। ठीक है, इसको सेव करते हैं। फर्स्ट एक बार मैं आपको एरर दिखाता हूँ, क्या क्या एरर आएंगी, कहाँ प्रॉब्लम आएगी, फिर उसके बाद सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम है ना। देखो जावा फुल स्टैक CJ7 डेटा टाइप्स स्टूडेंट है ना, इसको मैं करता हूँ रिमूव स्टूडेंट क्लास CMD कोड कंपाइल। कंपाइल करने के लिए क्या यूज करते हैं, जावा, जावा सी फाइल जावा सी, देन फाइल का नेम स्टूडेंट नेम सर। हाँ सर, डॉट जावा एक्सटेंशन कंपाइल। क्या बोला यार, इनवैलिड मेथड डिक्लेरेशन, रिटर्न टाइप रिक्वायर्ड, समझ में आया, रिटर्न टाइप मैंडेटरी है, जब तक आप रिटर्न टाइप मेंशन नहीं करेंगे ये मेथड कंप्लीट नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो क्या है, सिंटेक्टिकली एरर। जब भी हम कंपाइल करते हैं और उस टाइम पर कंपाइलेशन टाइम पर कोई मेथड या कोई भी स्टेटमेंट अगर रॉन्ग है, रिजल्ट आता है या एरर आता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाइलेशन एरर है ना। तो कंपाइल यस एरर, कंपाइल टाइम पर एरर जो आती है वो क्या, किस रीजन से आती है, कि आपने प्रॉपर सिंटेक्ट फॉलो नहीं किया कोड, जो कोड का मैनर है कि कैसे कोड फॉलो करे, सिंटेक्टिकली एरर आता है सिंपली, सिंटेक्ट। तो सिंटेक्ट में क्या आपने मिसिंग किया है, कि आपने इस मेथड में मेथड नेम दिया, रिट इनपुट दिया, लॉजिक भी लिखा, लेकिन मेथड का जो मेन पॉइंट है वह है रिटर्न टाइप, रिटर्न टाइप आपने मेंशन नहीं किया। तो रिटर्न टाइप बताओ यहाँ पास क्या होना चाहिए, जब हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो क्या रिटर्न टाइप होगा,
कुछ भी रिटर्न नहीं करना है तो वर्ड। बता। वॉइड है ना, हाँ सर, यहाँ हम क्या कर रहे थे सिचुएशन में, कुछ भी हमें रिटर्न वाइट नहीं सर, करना था तो हम वाइट। रिटर्न करेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे वॉइड। अब कोई प्रॉब्लम, सेव कंपाइल, अभी भी है अभी भी है। नहीं सर, चेक करेंगे पता चलेगा कितना हाँ क्या चलो हुआ चेक चेक। चेक करके देखते हैं। हाँ जावा कंपाइल, नो प्रॉब्लम। डॉट क्लास वही। फाइल जनरेट है। हाँ सर, तो प्रॉब्लम कहाँ थी हमारी, मेथड में। ठीक है, अब हमें यूजर, ये क्या था डिक्लेरेशन, इसमें अगर मैं यूजर का नेम क्लास लेवल में देता हूँ इसको पास कर देता हूँ, जैसे कि मान लो यूजर का नेम कुछ भी ले लो, स्मिथ। ठीक है, मोबाइल नंबर सेव किया, इसको क्या बोलते हैं इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइज कर दिया ना वैल्यू, डिफॉल्ट वैल्यू था इसमें वैल्यू स्टोर कर दिया। ठीक है चलो, इनिशियलाइजेशन। मैसेज डिस्प्ले करो प्लस प्लस यूजर का नेम। अब मैसेज क्या है, यूजर का नेम, यूजर का नेम क्या है, यूजर नेम, यूजर नेम स्मित ना, और यस मोबाइल नंबर ये। तो हमने बोला मैसेज डिस्प्ले करो प्लस यूजर का नेम, बताओ क्या आउटपुट आएगा यार। मैसेज सुमित। सुमित, देखो यहाँ कंपाइल किया इंट मोबाइल नंबर, क्या लिखा है, इंटीजर नंबर टू लार्ज, इंटीजर नंबर टू लार्ज, इसका मतलब आपकी 10 डिजिट से ज्यादा आपने लिखा है ना, तो यहाँ क्या यूज करना है, इंट लिखेंगे या लॉन्ग, लॉन्ग लॉन्ग बताओ, आप बताओ कोई प्रॉब्लम, अभी कोई प्रॉब्लम, सर। यस या नो, रेस्पॉन्स नो करो यार रेस्पॉन्स, अभी कोई प्रॉब्लम, नो सर, नो सर। क्यों, इंटीजर नंबर टू लार्ज, एयर देखा लिखना टाइम, पड़ेगा, हाँ सफिक्स सफिक्स एयर सफिक्स ऐड करना पड़ेगा ना, सफिक्स, लगाना हाँ इसमें क्या ऐड करें, सफिक्स एल, सेव कंपाइल, प्रॉब्लम। ठीक है, आउटपुट आउटपुट क्या आएगा, एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को, जावा जावा स्टूडेंट। स्टूडेंट, क्या है यार आउटपुट, कोई आउटपुट नहीं, क्यों, कोई आउटपुट नहीं क्यों यार, मेथड तो एग्जीक्यूट होना चाहिए ना, अच्छा सर, ये रिटर्न कराया वर्ड, ये तो प्रिंट कराया ना मैंने, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, मैसेज मैसेज नहीं, तो यूजर नेम प्रिंट करना चाहिए ना स्मिथ। कितने लोगों के नहीं समझ में आया प्रोग्राम बताओ, हमने मेन मेथड में कंसोल नहीं कराया, इस वजह से नहीं आया। देखो लॉजिक समझो, बता रहा हूँ, रट्टा नहीं मानना है, रिकॉर्ड समझो। ठीक है, मैं 2 मिनट में लिख दूंगा सारा कोड, लेकिन क्या फायदा जब आप लोग को समझ में नहीं आएगा, तो है ना, तो फायदा नहीं सर। चल। अब देखो समझो, लाइन नंबर वन फर्स्ट लाइन, ठीक है,
और बाकी लोग कहाँ चले गए यार, आपके बैच वाले सब? विश्वास शिवम और वो कहाँ चला गया? रहमत अली, सर वो तो बहुत देर, रहमत। हाँ बहुत देर पहले चला गया। वो तो काफी देर का नहीं है सर, चलो आता जाता रहता है वो। अच्छा, आता जाता रहता। चलो ठीक है, नेटवर्क इशू होगा इस। आप लोग लेंथ नहीं बढ़ा रहे यार बैच का, मजा नहीं आ रहा। मोहित, मोहित यस कहाँ हो यार तुम? सर, यही हो? क्या हुआ, कुछ बताओ यार। लेंथ देखो 10 स्टूडेंट भी नहीं हो पाए, बताओ बैच में। इस बैच में सर कितने, मतलब कितने चाहिए, कितने करने टेन, इसके? अरे 10+ चाहिए यार, मिनिमम 10 तो होना ही चाहिए कम से कम। फिर नेक्स्ट बैच में देखेंगे, इस बैच में कम से कम 10 होना चाहिए, तब तो ये बैच कंटिन्यू चल पाएगा। अब तो ठीक है डेमो सर, क्लास से चल रही। कर दूंगा सर 10। हाँ बात करो यार, ज्वाइन करवाओ। फिर क्या है कि क्लास आगे चली जाएंगे तो फिर से उनको मुझे सारी चीजें एक्सप्लेन करनी पड़ेंगी, है ना। अभी डेमो है तो अभी क्या है, कुछ वीडियो मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूँ ताकि वो रिवाइज कर सकते हैं, है ना। ठीक हाँ थोड़ा देखो यार, फोकस करो। है सर, 10 करवा देता हूँ सर इसमें। ओके हाँ, 10 करवा दो। सर, ठीक है रितेश, तुम भी देख लो, बात करो अपने फ्रेंड से जो भी है। हाँ और सर, हाँ ठीक है, चलो देखो इधर। सबसे पहला स्टेटमेंट देखो, फर्स्ट स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट क्या है? क्लास स्टूडेंट ना, फर्स्ट लाइन, क्लास स्टूडेंट, क्लास स्टूडेंट। ये लोड होगी किधर? जेवीएम में, है ना, याद है? जेवीएम किधर चला गया यार? या यहाँ लोड होगा ना। क्लास स्टूडेंट लोड हुआ जेवीएम में, किसको मेमोरी मिलेगी? फर्स्ट स्टैटिक वेरिएबल को, डेटा स्टोर किया जाएगा उसके मेमोरी में। देन उसके बाद नॉन स्टैटिक वेरिएबल, है ना। तो चलो चलते हैं हम लोग किधर। तो क्लास लोड हुई किधर? स्टैटिक वेरिएबल, क्लास लोड हुआ जेवीएम में, है ना। यस, मेमोरी किसे मिली? शॉर्ट में लिख रहा हूँ यार, देखना है। मेमोरी किसे मिली? यूजर नेम को, स्टैटिक वेरिएबल है ना, मिल जाएगा स्टैटिक वेरिएबल को। सर जेवीएम में मेमोरी मिल गई, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा, क्या नाम है मेमोरी का? मेमोरी का नेम यूजर नेम। सर वैल्यू क्या पास की गई इसके अंदर? स्मिथ, है ना। ये क्या है दूसरा? लॉन्ग, ये स्टेटिक है, इसको मेमोरी मिलेगी क्या यार? नहीं नहीं मिलेगी। तो ये एग्जीक्यूट होगा स्टेटमेंट? नहीं एग्जीक्यूट, इसको स्किप कर दिया जाएगा, ठीक है, इस लाइन को स्किप। देन इसके बाद किधर आएगा? वॉइड मेथड, सेंड क्या करना है? स्ट्रिंग एस मैसेज, ये लाइन, इस लाइन को एग्जीक्यूट करना है। ये एग्जीक्यूट होगा? नहीं एग्जीक्यूट होगा। क्यों? क्योंकि जेवीएम, मैंने ये भी से लास्ट टाइम पहले क्या बताया था कि लास्ट टाइम में कि 100 मेथड्स हो या 200 या 1 करोड़, कितने भी मेथड हो, जब तक मेन मेथड उसको पॉइंट नहीं करेगा उस मेथड को, तब तक उस मेथड को एग्जीक्यूट नहीं करेगा जेवीएम। यस सर, कब एग्जीक्यूट करेगा जेवीएम? डायरेक्ट किसके पास आएगा? मेन मेथड के पास आएगा। इसके बाद वो देखेगा कि तुम्हारे प्रोग्राम में कितने मेथड्स हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट किसके पास आया कंट्रोल? स्टैटिक वेरिएबल के बाद, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी प्रोवाइड करने के बाद डायरेक्ट कंट्रोल आएगा किसके पास? मेन मेथड के पास, ठीक है। तो मेन मेथड से जेवीएम पूछेगा कि हे मेन मेथड क्या करना है? तो जेवीएम ने बोलेगा कुछ नहीं करना है, मैं भी फ्री हूँ, तुम भी फ्री हो, आराम से चाय नाश्ता करो तुम, ठीक है। तो बोले ये काम तो उसने जेवीएम ने कर दिया, मेमोरी इनिशलाइज कर दिया, स्टैटिक वेरिएबल को मेमोरी स्टोर करा दिया, लेकिन मेन मेथड ने क्या बोला? कुछ नहीं करना है। तो जेवीएम वापस कंट्रोल बैक,
क्या प्रिंट किया यहाँ पास है? जेबीएम ने क्या प्रिंट किया? कुछ भी नहीं प्रिंट किया ना। क्या रीजन क्या समझ में आया? क्योंकि हमने मेन मेथड ने कुछ बोला ही नहीं जेबीएम करने के लिए। अगर वो बोलेगा कि नहीं मेरे पास एक सेंड मेथड है, तुमको मैसेज सेंड करना है, तब तो वो मैसेज सेंड करेगा ना। चलो मान लो कि जेबीएम आया मेन मेथड के पास, मेन मेथड ने बता दिया कि मेरे पास एक सेंड एसएमएस करके एक मेथड है, इसको एग्जीक्यूट करना है, इसको एग्जीक्यूट करना है। जेबीएम बोलेगा कि कर देता हूँ। कैसे कैसे एग्जीक्यूट करेगा? यहां से सीधा कंट्रोल जाएगा किसके पास? सेंड मैसेज, सेंड एसएमएस मेथड के पास, और इसको एग्जीक्यूट करने को ट्राई करेगा। ठीक है, तो क्या आएगा? अब क्या आना चाहिए आउटपुट? देखो प्रोग्राम यहाँ क्या मेथड का नेम है यार? सेंड सेंड मैसेज एसएमएस एसएमएस। ये हमने मेथड को कॉल किया, मेथड कॉलिंग अभी बताया ना कि मेथड, ये डेफिनेशन है, मेथड हमने डिफाइन किया, और ये हम क्या कर रहे हैं, इसको मेथड कॉल कर रहे हैं। मेथड कॉल किया कि अब आप इस मेथड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कैसे एग्जीक्यूट होगा ये? रिकंपाइल करें, कंपाइल करना पड़ेगा ना दोबारा, क्योंकि अब डॉट क्लास फाइल दोबारा जनरेट होगी। अब वो डॉट क्लास फाइल काम नहीं आएगा, क्योंकि हमने जावा फाइल में क्या कर दिया, चेंजेस कर दिया ना, स्टूडेंट डॉट जावा। कंपाइल एग्जीक्यूट करें जावा, बताओ आउटपुट। फिर से कोई आउटपुट नहीं। क्यों यार कोई आउटपुट नहीं? कंट्रोल एस से सेव, कंपाइल। अब नए जो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई है, उसने उसमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम क्या है यार? मेथड सेंड एसएमएस इन क्लास स्टूडेंट कैन नॉट बी अप्लाइड टू गिवन टाइप। क्या मतलब है? क्या प्रॉब्लम क्या है? सर मैसेज देना है तो सर कोई स्ट्रिंग। हाँ, वो मेथड जो है वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है इनपुट। क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इनपुट? स्ट्रिंग सर, स्ट्रिंग। अगर आप उसको कुछ डेटा पास नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट होगा नहीं, वो जाके स्टक हो जाएगा। ये मेथड उसको क्या बोलेगा, कह रहे यार तुम खाली हाथ क्यों आ गए हैं? जब तक तुम कुछ लेके नहीं आओगे इनपुट, तब तक ये मेथड कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये मेथड, ये देखो अभी बताया ना थोड़ी देर पहले, यहाँ यहाँ ये मेथड है, इसको इनपुट भेजना पड़ेगा यार। नहीं भेजोगे तो ये मेमोरी कैसे मिलेगा और लॉजिक कैसे एग्जीक्यूट होगा इसका? समझ गए? हेलो, हाँ सर, हाँ सर, हाँ। तो ध्यान दो इस चीजों को, यहाँ यहाँ जो मेथड है हमारा, यहाँ इनपुट मांग रहा है, तो इनपुट किस टाइप का इनपुट है, टाइप क्या है? अगर ये बोले कि मैं 10 इनपुट दे रहा हूँ, तो ये 10 एक्सेप्ट करेगा? नहीं, क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग है। हाँ, वो जो डेटा एक्सेप्ट कर रहा है, वो किस टाइप का डेटा एक्सेप्ट कर रहा है? स्ट्रिंग, स्ट्रिंग टाइप का। तो आप ऐसा कर दोगे, हाँ, 10 पास करोगे तो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। देखो क्या है प्रॉब्लम, इनकम्पेटिबल टाइप, इंट कैन नॉट बी कन्वर्ट to string, int cannot be converted to string। ठीक है, तो int टाइप का आपको डेटा पास नहीं करना है, किस टाइप पास करना है? स्ट्रिंग टाइप का। तो स्ट्रिंग में आप पास कर दीजिए कोई भी
स्ट्रिंग कैसे पास करते हैं डबल कोट्स में, है ना। डबल कोट्स में कुछ भी दे दिए, हेलो हेलो पास कर दिए, अब क्या आएगा ये मेथड के पास, इधर मेथड के पास कंट्रोल चला जाएगा ना, रिकम्पाइल क्या रहा, प्रॉब्लम नॉन स्टैटिक मेथड, अब क्या आ रहा है यहाँ पास देखो, प्रॉब्लम पढ़ो, प्रॉब्लम क्या है, नॉन स्टैटिक मेथड सेंड एसएमएस स्ट्रिंग नॉन स्टैटिक मेथड सेंड एसएमएस कैन नॉट बी रिप्लेस्ड बाय स्टैटिक मेथड। सर इसको ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा सर इसमें, ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है। देखो ये जो मेथड है किसके लिए है, इसको बोलते हैं इंस्टेंस मेथड, क्यों, क्योंकि इसके जैसे कि ये लॉन्ग मोबाइल, ये किस टाइप का वेरिएबल है, किस टाइप का वेरिएबल, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक। नॉन स्टैटिक हाँ, तो ये किसके लिए यूज किया जाता है, नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक हम जो यूज करते हैं, ये इम्पोर्टेंट डेटा जो भी हमें स्टोर कराना होता है, तो इसको मेमोरी कौन देता है, ऑब्जेक्ट क्रिएट होने के बाद, है ना, जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तब इसको मेमोरी मिलेगी, इसको मेमोरी मिली क्या, यहाँ यहाँ मेमोरी मिली क्या इस वेरिएबल को, नहीं। तो इस मेथड को भी कॉल तभी किया जाएगा जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, बिना ऑब्जेक्ट के इस मेथड को कॉल नहीं कर सकते हैं। जैसे मान लो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल दिया था कि बैंक, है ना, बैंक में आप जब तक अकाउंट अपना ओपन नहीं करवाएंगे तब तक जो बैलेंस चेक करने की जो परमिशन है आप उसके लिए एलिजिबल नहीं है, आपका जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, यूजर का रजिस्ट्रेशन मीन्स जब तक यूजर बैंक में अकाउंट ओपन नहीं करेगा तब तक वो बैलेंस नहीं चेक कर सकता, है ना। तो वो बैलेंस जो मेथड है, जो ऑपरेशन है वो कॉल कौन करता है बैलेंस चेक करने के लिए, ऑब्जेक्ट ना, वो ऑब्जेक्ट अच्छा चेक, हाँ वो ऑब्जेक्ट के लिए बनाया गया है नॉन स्टैटिक मेथड, मींस इंस्टेंस मेथड जो होता है ऑब्जेक्ट चेक करता है, ठीक है। स्टैटिक मेथड जो होगा, स्टैटिक मेथड के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, बिना ऑब्जेक्ट का हम मेथड चेक कर सकते हैं, एग्जीक्यूट करा सकते हैं। तो अभी हमारे पास ये जो मेथड है एलिजिबल किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए, लेकिन हम इसको अभी बना रहे हैं किसके लिए, हाँ स्टैटिक के लिए। स्टैटिक, बिन विदाउट ऑब्जेक्ट हम इसको कॉल कर लेते, इस मेथड को हमने बना दिया क्या स्टैटिक। तो स्टैटिक वेरिएबल जो होता है स्टैटिक कीवर्ड से बनता है, स्टैटिक मेथड बनता है स्टैटिक कीवर्ड से। तो ये स्टैटिक मेथड क्या होगा, अब ये डिपेंड नहीं है किसके ऊपर, ऑब्जेक्ट के ऊपर, क्योंकि हमारी जो लॉजिक है ऐसी कोई खास इंपॉर्टेंट लॉजिक नहीं है कि सिर्फ ऑब्जेक्ट ही इसको एक्सेस करे, अच्छा हाँ कॉमन लॉजिक है कि कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, कोई भी यूजर एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या बनाया, स्टैटिक मेथड, स्टैटिक मेथड समझ में आया, डबल कोट्स इसके अंदर हमने लिख दिया हेलो सेव, अब सर इसको सेव नहीं करना है, यहाँ से सेव करना है, क्या नाम है, इसको हम क्या पास करेंगे, स्टैटिक मेथड सेव। अब क्या आउटपुट आना चाहिए बोलो, हेलो स्मिथ, हेलो स्मिथ। कंपाइल टाइम कोई प्रॉब्लम, नो हेलो स्मिथ, हेलो स्मिथ कैसे आ गया यार, क्योंकि स्मिथ जो है पहले से मेमोरी में लोड किया गया है ना, लेकिन मैं यहाँ हेलो स्मिथ प्लस मोबाइल, अब बोलो मोबाइल,
कंपाइल करें। यस सर। क्या प्रॉब्लम आई मोबाइल में? नॉन स्टैटिक वेरिएबल मोबाइल कैन नॉट बी रेफरेंस फ्रॉम स्टैटिक कॉन्टेक्स्ट। क्यों? रीजन क्यों? रीजन रीजन क्यों क्या है यार इसका? नॉन स्टैटिक वेरिएबल सर। नॉन स्टैटिक वेरिएबल है, इसको अभी मेमोरी ही नहीं मिली है, इसको मेमोरी ही नहीं, इसके पास कोई डेटा ही नहीं है। जब वो डेटा एक्सेस करने जा रहा है क्या ये मोबाइल, तो इस टाइप का कोई मेमोरी यहाँ अवेलेबल नहीं है जेवीएम के पास। इसलिए जेवीएम बोल रहा है कि जो आप यहाँ पास मुझे आप नंबर दे रहे हैं मोबाइल मोबाइल दे रहे हैं एक्सेस करने के लिए, मोबाइल नाम की कोई मेमोरी नहीं है, मैं कहाँ से लाके दूँ बोलो। इसलिए सीधा जेवीएम मना कर दे रहा है, मोबाइल नाम का कोई मेमोरी नहीं है, समझ गया? यहाँ कोई नहीं, सर्च किया इसने, मोबाइल नाम का मेमोरी नहीं है, इसलिए यहाँ पास पॉइंट कर रहा है कि नॉन स्टेटिक वेरिएबल है ये। इसको मेमोरी कब मिलेगी? जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तब मेमोरी मिलेगी, तब जाके डेटा ला के आपको देगा, ठीक है? तो इसके लिए क्या कॉन्सेप्ट है कल आपको बताएंगे। यहां तक क्लियर? यस सर। बताओ किसी कोई प्रॉब्लम नहीं, जो चीजें नहीं समझ में आई हो अभी तक? स्टैटिक नॉन स्टैटिक समझ में आ रहा है? चल बाकी तो सारे लोग गायब हो गए धीरे धीरे। चलो मिलते हैं कल और कोशिश करो। हाँ जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं है यार रजिस्ट्रेशन करवा लो यार फटाफट, क्योंकि अब टाइम बहुत कम बचा है, डेमो क्लास खत्म होने वाली है, वैसे तो खत्म हो गई है लेकिन एक दो दिन और है, 1 तारीख तक सभी लोग का रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, है ना? ठीक है मिलते हैं, चलो बात करो और फ्रेंड से ज्वाइन करो स्टूडेंट लोगों को, है ना? यस सर। ठीक ओके गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।